पहले से आपने मेरे वीडियो देख के रखा था, बहुत सारे वीडियो। हाँ, तो गोरखा ब्लॉग आते जब भी मतलब मेहनत करते हो कि आपका मेहनत विफल नहीं जाता, आपको लगता है कि आपका वीडियो कोई नहीं देखता है, लेकिन देखता है। ये है बोर्तोलोवा का ओवरब्रिज एंड नीचे में देखे लोकेशन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। ये रहा यहाँ का लोकेशन, चारों तरफ एक बार लुक अराउंड देख लीजिए। हम लोग अभी है बोर्तोलोवा पे एंड यहाँ से मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूँ इको पार्क पे, बोंगाईगांव के इको पार्क पे। यार बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों देखिए ये रास्ता काफी सुंदर है एंड साइड में आपको फूल भी दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल हम लोग हाईवे छोड़ के अंदर आ गए हैं एंड यही वाला रास्ता है जहाँ से हम लोग थोड़े देर अगर सफ़र करेंगे, थोड़े देर नहीं थोड़ा और सफ़र करेंगे तो हमें मिलने वाला है इको पार्क। आते आते कौन से वाला इलाके में पहुँच गया आई डोंट नो, बट लोकेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो देखे यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा समथिंग कुछ बन रहा है। ये घुसने का रास्ता कौन सा है? अच्छा, वही तो यहीं पे लोकेशन दिखा रहा था हम लोग, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो है दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए बोंगाईगांव एंड बोंगाईगांव घुमाते घुमाते आप लोगों को मैं कहां पे लेके आया हूं, देखिए इको देव पार्क बोंगाईगांव। देखिए ये रहा बाहर का लोकेशन गाइस, कुछ इस प्रकार से गेट है। ये रहा टिकट घर टिकट एंड ये रहा आपका भाई का गोरखा ब्लॉगर का बाइक एंड ये है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, बोंगाईगांव का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। दीवारों पर इस तरह का मतलब सुंदर से मतलब ड्राइंग कर दिया गया है, आर्ट कर दिया गया है, ग्राफिक बोले आर्ट बोले कुछ भी बोले, मतलब मजा आ गया। अंदर आते ही हमें एक स्टेचू देखने को मिला जो कि डॉक्टर भूपेन हाजुरिका का है। अगर आप आसाम से हैं तो डॉक्टर भूपेन हाजुरिका को पहचानते होंगे एंड इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द आसाम, बता दो डॉक्टर भूपेन हाजुरिका हमारे आसाम के बहुत ही बड़ा सिंगर थे। तो हे गाइस आते ही वो हमें कुछ देखे इतना खूबसूरत रास्ता दिखाई दिया एंड यार यहाँ का सिनेमेटिक शॉट भी आपको दे देता हूँ। देखे वाकई में सुंदर है, ये रहा यहाँ आप कहीं में भी खेल सकते हैं एंड उस पार में देखे वहाँ में और इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है एंड मेरा आगे देख सकते कुत्ते हैं। हाय। तो दोस्तों आप लोग ने एक इंस्टा पे एक वीडियो वायरल होते हुए सुना होगा, बीबी दिस इज बोंगाईगांव। तो यार मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोंगाईगांव आके, यहाँ पे मतलब छोटे बड़े कोई भी प्ले कर सकते हैं। ये भी रहा देखिए, वो भी रहेगा, बच्चे बूढ़े कपल्स गर्लफ्रेंड के साथ, बीबी के साथ, होने वाले पत्नी के साथ, शादी के बच्चे के साथ, शादी के बच्चे शादी मतलब किसी भी साथ, कपल सपल आप गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, किसी के भी साथ इस पार्क में आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अपना लाइफ है, छोटा मोटा लाइफ है, आइए एंजॉय करें, पार्क देखें। मतलब हम लोग ने वीडियो में पहले भी देखा था भाई बोंगाईगांव आओ सोचा था, लेकिन इतना मतलब हमें मतलब मौका नहीं मिला था कि यार बोंगाईगांव आने का। फाइनली हम लोग बोंगाईगांव आ गए एंड आप लोग हम लोग अभी पार्क दिखा रहे हैं। देखे सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे लोग भी एंजॉय कर रहे हैं क्या बोलो मतलब। एंड वो पब्लिक एक्वेरियम है, थोड़ी देर बाद हम वहाँ में भी जाएंगे, वहाँ में भी आपको दिखाएंगे कि वो अंदर कैसा है कैसा नहीं। देखे मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स लोग सेल्फी ले रहे, लेट देम टेक एंड अभी हमारा तो सेल्फी का ज़माना नहीं है, हम तो अभी सेल्फी लेने वाले नहीं है, फिलहाल आप लोग को ये दिखाने के लिए आए हुए। एंड आगे और भी मतलब ये जो आपका पार्क है इसको और भी एक्सटेंड किया जा रहा है, मैं सिनेमेटिक शॉट में आपको सबको दिखाने का कोशिश करता हूँ। एंड ये और यहाँ में भी मतलब बनाने वाले हैं इन फ्यूचर, ये मतलब अभी मतलब जिस मैं अभी जैसे कि 2023 के फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ में हूँ, मतलब फरवरी पे मैं अभी यहाँ पे आया, जनवरी नहीं फरवरी अभी क्या चल रहा है, फरवरी की जनवरी है यार, तूने बोला फरवरी कर दिया अभी जनवरी के फरवरी बोल, देख बोलने पर कसम से बोल रहा हूँ ये जनवरी है कि फरवरी बोलने पर है, बोल कसम रे भूल गया, रुक मैं कैलेंडर देख के बोलता हूँ, देख फरवरी है। तो अभी तो हम लोग मतलब 2023 के फर्स्ट पे है, सेकंड मंथ पे है। हाय लो, हाय बोल के भाग गया, डरते क्यों हो भाई। यहाँ पे और भी मतलब खूबसूरत तरीके से आगे बनाने वाले हैं एंड वो रहा पत्थर एंड उसके पीछे में मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन फ्यूचर वहाँ में भी और भी ये पार्क बड़ा बनने वाला है। एंड जो हमने टिकट लाए थे आपको दिखा दूंगा, कुछ इस प्रकार के पर्ची हम लोग को दिया था एंड हम लोग ने दो टिकट लिए थे, एक तो एक्वेरियम का एंड एक सिर्फ पार्क का। ओके आई थिंक सो मतलब दोनों का मिला के हम लोग को 50 रुपीज़ ले लिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है 10 रुपये चूना लगा दिया गया, 20-40 होना चाहिए तो मुझे 50 रुपये समझ में नहीं आया। और आप लोग का समझ में आता है तो अगर आप लोग बोंगाईगांव से तो यार कमेंट सेक्शन में जाइए और बोलिए कि यार मतलब एक्चुअली मतलब दो जन का एक्वेरियम और मतलब पार्क का टिकट कितना होना चाहिए। ओके ये सब आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड जो फिलहाल हमें लिया है वो 50 रुपीज़ एंड गाइस हैव लुक एंड उधर भी जाने का कोशिश करेंगे। वाओ एंड यहाँ पे एक कू इंसिडेंस हुआ है, आप लोगों को तो पता है मैं ऑल आसाम घूमता रहता हूँ एंड यहाँ पे मुझे दो भाई मिला एंड एक्चुअली ये कौन है
मैं इन्हें नहीं पहचानता हूँ, लेकिन ये मुझे पहचानते। इन्होंने अभी अभी मुझे बोला कि मतलब आप मेरे को पहचानते हैं ना? आपको पहचानते हैं। पहले से आपने मेरे वीडियो देख के रखा था? बहुत सारे वीडियो। हाँ, तो गोरखा ब्लॉग है, ठीक है। तो मतलब आप, चलो आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। चलो आप लोग यहीं के हैं क्या, बोंगाईगांव के? नहीं, हम लोग एक्चुअली बिहार के हैं। बिहार के हैं, तो अभी फिलहाल यहाँ पे रह रहे हैं, बोंगाईगांव पे, है ना? हाँ, तो चलो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है। चलो थैंक यू।